वो देखें स्लिप हो रही गाड़ी नहीं सीधा जाए। ओए एक मिनट रोक दें। काफी सारी बसेस, काफी सारा ट्रैफिक जो है ना जैम है, सही है, और बहुत आगे तक जो है वो ट्रैफिक जैम है। पता नहीं कब खुलेगा ट्रैफिक, क्या सीन है। पीछे भी देखें काफी सारी बसेस हैं, सही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तौंसा शरीफ। और अभी जो है वो हम बस 8 बजे उठे थे, सही है, और इसके बाद फ्रेश वगैरह होके अब रेडी हो गए हैं बाहर निकलने के लिए। नाश्ता आ गया है, नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं ये आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, सही है, कि इन्होंने इतनी मतलब तकलीफ़ की मेहमानों के लिए और इतना सारा अरेंजमेंट किया। लेकिन अब हम जो है ना नाश्ता करके फ़ौरन निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने जो है ना कम टाइम के अंदर इंशाल्लाह ज़्यादा काम करना है, और उसके बाद आज ही वापसी कराची के लिए निकलना है। तो ये आज के दिन का प्लान है, बाकी दिन का स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। आपको दिखाते हैं नाश्ता, ये देखें भाई, ये कीमा है और ये चने का सालन है, ये अंडा है, ये अंडा घोटाला है, और ये रोटी है। और अदनान भाई माशाल्लाह, अदनान भाई आज तो जिन में नज़र नहीं आ रहा आपको, आज तो जिन नहीं है। क्या बात है, चलो भाई स्टार्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सादा रोटी भी है, पराठा भी है। घर से हम लोग निकल गए हैं, ये तौंसा शरीफ की गलियां हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जिन भाई के हम लोग घर पे ठहरे थे ना, सही है, ये मदरसे का इंतज़ाम सारा देख रहे होते हैं। कितना बड़ा मदरसा है, लड़कियों का मदरसा है, और अंदर क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो हम इसीलिए जो है वो पर्दे का इंतज़ाम है बाहर बाहर से ही जो है वो। ये देखें यहाँ पर भी पर्दा लगा हुआ है, ठीक है ना, और सारे क्लासरूम इन्होंने बंद करा दिए हैं, पर्दे का इंतज़ाम है, और देखें तालीम का सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। बारिश हुई है बहुत यहाँ पे, है बहुत ज़्यादा हुई है, मज़े किए बारिश में। बताएं आप लोग एडवेंचर वाले सफ़र के लिए तैयार हैं आप लोग? गाड़ी की हालत देख लें, सही है, हम लोग तैयार हैं, चलें भाई तैयारी करते हैं। ये जो पाउच है ना मेरे हाथ में, इसमें सारे चार्जर्स, पावर बैंक सब कुछ रखा हुआ मैंने यहीं पर आगे, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो है ना गुजारा ही नहीं है। चलें भाई सफ़र स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई ओवरनाइट हमने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा हो सके हम राशन के बैग जो है वो पैक करवा लें। उन्होंने हमें कमिटमेंट किया कि फजर तक हम रेडी कर लेंगे। अभी हम आगे इनको पेमेंट करेंगे, इंशाल्लाह बैग्स तैयार हो गए हैं और गाड़ी में लोड करा के जो है ना हम लोग निकलेंगे आगे जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे आप लोगों को लेके चलते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे। फिर पका पकाया खाना भी लेके जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ राशन ही लेके जा रहे हैं, खाना भी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग कैसे सिलाई वाली मशीन है, फटाफट जो है ना राशन के पैक जो है वो बना रहे हैं। और ये देखें देखें दान भाई जी कैसे सिलाई मार रहे हैं इसके ऊपर, ज़बरदस्त बेहतरीन। ये चेक, वाह भाई ये चेक करें भाई, सुबह सुबह नाश्ते के लिए जो है ना रस्क तैयार होके आ गए हैं, सही है ना, पापे जिसको आप लोग पापे ही बोलते हैं, ऐसे ही ना भाई पापे ही बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज। ये देखें भाई रस्क फ्रेश फ्रेश बन के आ गया भाई, क्या बात है। ग्रॉसरी वगैरह तकरीबन लोड हो गई, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज संडे का दिन है, और संडे का दिन है मतलब यार हमारे यहाँ तो फुल चिल चल रहा होता है, मतलब ना मतलब दुकानें वकान है ये वो बंद सारा, लेकिन यहाँ तो मार्केटें खुली हुई है, पूरी मार्केट खुली हुई है यार संडे को, और अर्ली मॉर्निंग से मतलब ज़बरदस्त यार, मतलब मुझे देख के यहाँ पे लग नहीं रहा कि आज संडे है, ऐसा सीन चल रहा है बिल्कुल। और हम उन्हीं इलाकों की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे असल तबाही हुई है, देखिए कितना पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है भाई। गाड़ी जो है ना ये देखें कितना गाढ़ा कीचड़ है, कि ये देखें गाड़ी फिसल के जो है ना नीचे की तरफ जा रही है, सही है, गाड़ी को यहाँ तक लेके आते हैं लेकिन स्लिप होके नीचे जाती है। गई वो देखें स्लिप हो रही गाड़ी नहीं सीधा जाए। हाँ क्योंकि ये पानी में ना चली जाए, नहीं लेके जाए फिर रिस्क ना लें पानी में जाएगी, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लें क्योंकि ये देखें ना बिल्कुल हमारे पैर फिसल रहे हैं, वी आर इन अ सिचुएशन भाई, ये देखें ये बिल्कुल स्लिप हो रहे हैं। गाड़ी जो है ना हमें वापस भी लेके जानी है, और हम मजीद आगे रिस्क नहीं लेंगे, अल्लाह खैर अल्लाह पाकिस्तानी का मामला कर।
एक मिनट रोक दें, यहाँ पे आदमी आ जाएं थोड़े से, यहाँ पे गाड़ी को अगर होल्ड कर सकें तो फिर पकड़ लें गाड़ी को। अदनान अटक पीछे, ओए होए, एक मिनट रोक दें, आ जाएं सब, हाथ लगा लें गाड़ी को ना, नीचे नहीं आए गाड़ी। भाई अल्लाह का करम हो गया, सब ने हाथ लगाया ना मिलके, मैन पावर भी बड़ी काम आती है, तो गाड़ी जो है ना ऊपर चली गई वापस। फिर स्लिप ना हो, फिर से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब हाथ रखे इसको बना गाड़ी के ऊपर। हाँ आइए देखें, अभी जो है ना बेलचे से मिट्टी वगैरह उठा के टायर के पास थोड़ी सी फिल की है जगह, ताकि जो है ना गाड़ी स्लिप ना हो, क्योंकि अभी बिल्कुल गाड़ी एच के ऊपर खड़ी हुई है। सही है, अब हम जो है ना गाड़ी को बेसिकली रेस्क्यू करने लगे हैं। ठीक है, और ये देखें ये रोड को जो है ना थोड़ा सा लेवल करेगा, ये कीचड़ वगैरह को जितना पॉसिबल हो सकेगा साफ करेगा, ताकि रास्ता जो है ना थोड़ा सा हमवार हो जाए और ये गाड़ी जो है ना निकल सके। बस भाई मैंने इनको यही बोला है, यही एक मशवरा तय हुआ कि गाड़ी को बांधना है इसके साथ ट्रैक्टर के साथ, ठीक है, और इसके बाद इसको खींचना है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर जितनी यहाँ पे मैन पावर है ना, सबको गाड़ी के उस तरफ खड़े रखना है ताकि वो अपनी तरफ से होल्ड करके रखें। सही है, क्योंकि अभी भी चांसेस होंगे कि जब इसको खींचेंगे तो गाड़ी नीचे जा सकती है। आप लोगों ने अपनी तरफ पुल करना है। अल्लाह अकबर, जोर लगाओ जोर, अल्लाह अकबर। शुक्र है, गाड़ी जो है ना कम से कम इस सिचुएशन से जो है वो बाहर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है, देख रहे हैं आप लोग टायर के निशान यहाँ से निकल गई। ये सारे लोगों के यहाँ के एफर्ट्स हैं, सब लोगों ने मेहनत की है यहाँ पे। भाई के हम तासुरात ले, बरकत भाई अब थोड़ी जान में जान आई है जब गाड़ी थोड़ी सी ऊपर आ गई तो। सही बात भाई, बिल्कुल ये देखे ना। अब देखें हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे रेन अफेक्टीज हैं ज़्यादा, ठीक है, और नकल मकानी करते हुए आप लोग देख सकते हैं इनको कि अपने घरों में से जो सामान बचा हुआ है ना वो लेके आ रहे हैं और आगे सड़कों की तरफ जा रहे हैं, रोड की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, हाँ बिल्कुल, ये देखें, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। देखें अब हम लोग बिल्कुल उस स्पॉट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे घर जो है ना आप समझ लें कि ये सैलाबी रेले के साथ चले गए, ठीक है। आज सुबह तक ये लोग बता रहे हैं कि ये घर अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन अभी नहीं है, दोपहर तक ये घर मौजूद नहीं है। और ये जो सामने आप लोग मंजर देख रहे हैं ना, सामने जो आबादी आपको नज़र आ रही है ना, वो देखें, वो जो लोग खड़े हुए, हाँ ये देखें ना, ये लोग बता रहे हैं गाँव वाले कि ये पूरी आबादी वहाँ तक थी, पानी नहीं था, ये पूरी वहाँ तक आबादी थी और अब वहाँ से पानी गुजर रहा है। आप समझें कि ज़मीन भी ले गया पानी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें घर की एक बुनियाद का थोड़ा सा हिस्सा जो है नज़र आ रहा होगा, इतनी डीप ज़मीन भी गायब हो गई है। अब आप लोग सोचें कि कितने लोग जो है वो यहाँ से बेघर हुए होंगे। ये देखें ना, ये घर का हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आधा अधूरा है। अल्लाह अकबर, हाँ ये सामने तक घर थे, ये पूरी आबादी थी ये, और ये जो पूरा इलाका आप लोग देख रहे हैं ना जो अभी बचे हुए हैं, इसको भी जो है ना इन लोगों ने अभी खाली करवा दिया है। सही है, इसीलिए लोग अपने अपने घर, ये पूरा इलाका भी खाली है, यहाँ पे कोई भी घर के अंदर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सफा हस्ती से मिट गया, ये देखें ना, ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो गायब हो गया। देखें आगे तो आप देख सकते हैं कि तबाही क्या हुई भी है, लेकिन वो तबाही अलग है, जो पानी नज़र आ रहा है उसकी जगह जो घर थे वो तबाही अलग है, पूरे का पूरा इलाका जो है वो खाली है इस वक्त। अब देखें एक घर बनाने में जो है ना नॉर्मली इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है, उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है जिससे वो घर बनाता है, कितना ज़बरदस्त कितना प्यारा घर है, लेकिन देखें कि क्या हालत हुई है। सही है, घर वाले घर छोड़ के भागने के ऊपर मजबूर हो गए, ये हालत हुई है। ये देखें मुतासरीन के अंदर जो है ना पका पकाया जो है ना खाना भी तकसीम किया जा रहा है, ठीक है, देखें यहाँ पे कुछ पहुँच सकी कुछ नहीं पहुँच सकी, तो फिर बोरों के अंदर जो है वो हम खाना लेके आए हैं बैग्स बना के चावल के, और ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जैसे जैसे मुतासरीन आ रहे हैं इनको खाना दिया जा रहा है। इनकी सिचुएशन आप देखें, देखें ये भाई के जो है ना पैरों की कंडीशन आप देखें, ठीक है, ये लोग किस तरीके से अभी आप यहाँ पे सोच लें कि सर्वाइव कर रहे होंगे। सही है, सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस एरिया। सैलाब अक्सर जगहों पे आता है लेकिन उनके घर चले जाते हैं, यहाँ ज़मीन भी चली गई है क्योंकि ज़मीन भी पूरी अपने साथ ले गया, गड्ढे पड़ गए हैं यहाँ पे, तो बस बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। हम जो है वो बेसिकली आ जाए थे सर्वे करने के लिए कि हम पहले यहाँ पे जो है वो सर्वे करेंगे, इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो भी हो सकेगा हम काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल हुई। देखें कैसे मामला बना, क्या हमें जो है वो ओवरनाइट ग्रॉसरी भी रेडी होकर मिल गई, सब कुछ हो गया, तो हमने बोला एटलीस्ट अभी जितना सामान हमको
रेडियो के मिलता है, हम उतना करके जाए यहाँ पे काम, ठीक है ना। तो 100 फैमिलीज की जो है वो ग्रोसरी, और इसके बाद फिर जो है वो खाना बनवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम होगा, हम आपको दिखाएंगे इसके बाद निकलेंगे। देखें अभी जो है ना, हम जब तक जो है वो राशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम बैठ गए एक भाई की दुकान पे। ये दुकान है, देखें डिफरेंट टॉयज वगैरह हैं, लेकिन यहाँ मुझे जो है ना एक चीज़ देख के बचपन की याद ताज़ा हुई। आप लोग बताइएगा कि किस किस की याद ताज़ा हुई है, ठीक है, ये क्या है बताएं। सही है, ये आप लोगों ने कॉमेंट में बताना है, ठीक है, और किसने कितने ज़्यादा इस्तेमाल किए ये भी बताना है। सही है, इतना भी आपने इस्तेमाल किए हैं, ये सब ने इस्तेमाल किए हैं भाई, आप लोग बताइए कॉमेंट में। भाई हम जो है ना अंदर से बाहर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी भी जो फंसी हुई थी वो भी निकल के बाहर आ गई है। अब जितने मुतासरीन थे, हमारे पास जितनी ग्रॉसरी के बैग्स थे, हमने सबको बाहर बुला लिया ताकि यहाँ पे हमारा ट्रक भी, वरना अंदर जो है वो फंस जाता। अब ग्रॉसरी जो है वो इनको तकसीम की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, इसके बाद हम लोग जो है वापसी कराची के लिए निकलेंगे। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मनाजिर हैं, सही है, और ये लिस्ट बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ के लोकल्स हैं, इनको मालूम है कि कौन मुतासरीन है कौन नहीं, और यहाँ पे बैठे हुए हैं ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, ठीक है, और जैसे जैसे नाम कॉल किया जा रहा है ये अपनी अपनी ग्रॉसरी लेके जाते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए भाई खाना अब आ गया है, सही है, तो यहाँ पे चिकन वाइट कढ़ाई भी है, चाइनीज़ राइस भी है, फिर शाही दाल भी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे देख के लग रहा है कि भाई शाही दाल। खाना स्टार्ट करते हैं, चले भाई खाना स्टार्ट करें, फिर बहुत लंबा सफ़र है हमारा और रात का सफ़र है। चले भाई, और सबसे बड़ी बात यह कि घर का बना हुआ खाना है, सही है, जो कि सफ़र में आपको बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई भाई दाल, ओह दाल का पहला निवाला। बहुत माशाल्लाह टेस्टी डिलीशियस। ये वाइट कढ़ाई की बारी है, सही है, ये ट्राई करते हैं। खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी दाल मैंने आज तक नहीं खाई हो, माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे आपके दस्तरखान में। तो दुनिया में जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, ऐसी दाल मैंने नहीं खाई, बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त दाल। चले भाई कराची के लिए हम लोग निकल रहे हैं, सही है, बड़ा जो है वो अच्छा सफ़र रहा, ठीक है, अब दुआ कीजिएगा खैर आफियत के साथ वापस पहुँचें। हमारी टीम में से एक टीम मेंबर को हम जो है वो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो कुछ काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे खाने की भी ज़रूरत है, खेमों की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए जो है वो हम अपने एक टीम मेंबर को छोड़ के जा रहे हैं, सही है, लेकिन जो है ना अदनान भाई को लेकर जा रहे हैं, वो टीम मेंबर अदनान नहीं है, सही है, एक और टीम मेंबर जो हमारे साथ थे उनको हम ड्रॉप करके जा रहे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन के अंदर मज़ीद यहाँ पे काम करके इंशाल्लाह फिर वापस कराची आएंगे। तो अब चले भाई सफ़र स्टार्ट करते हैं, और यहाँ के जो भाई जिन्होंने मेहमान नवाजी की, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। अबे भाई कहाँ जा रहे हो, मुझे तो लेके जाओ अपने साथ भाई, ऐसा नहीं करो। ये सड़कें कैसी टूटी हुई है देख रहे हैं, पूरे पूरे पैचेस गायब हैं, पूरे पूरे पैचेस गायब, क्योंकि शहर के बीच में भी जो है वो कितना पानी आ गया। भाई अब आप लोग देख लें कि कितना सन्नाटा है इस वक्त, मतलब यहाँ से जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि मेन रोड जो है वो हमें छोड़ना पड़ गया, वहाँ पे सैलाब का पानी आया हुआ था आगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई आप जो है वो अब अंदर के रास्ते से निकलें, कोलाइसन वाले रास्ते से निकलें, सही है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इस सन्नाटे को देख के मुझे एक वाक्य याद आ गया जो रिसेंटली हमारे साथ हुआ था, और वो इतफाक से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया था। जब हम लोग बलूचिस्तान से इसी गाड़ी में 4x4 में वापस आ रहे थे, पीछे 4 लड़के बैठे हुए थे और अंदर गाड़ी के 4 लड़के बैठे हुए थे, और जिस जगह से रोड पूरा बह गया था ना पानी के साथ, तो हम एक शॉर्टकट से निकले, अंदर से एक गांव से निकले, ठीक है, उस गांव से हम लोग जैसे ही निकले तो एक जगह जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि खरबूजे का ट्रक उल्टा हुआ था, उसके जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए थे ना, तो तकरीबन 4 लड़के खड़े हुए थे, जिनमें से 3 के पास वेपन था, मतलब वो सीम्स लाइक डकैत, सही, और डकैती करने के मूड में खड़े हुए थे और बिल्कुल सुनसान जगह पे खड़े हुए थे, लेकिन हो सकता है कि 4x4 देख के इन्होंने जो है वो ना रोका हमको, एक आगे आया लड़का लेकिन फिर वो वापस अंदर चला गया, क्योंकि उन लोगों का भी एक माइंड होगा कि हो सकता है कि पीछे गनमैन बैठे हुए हैं या कुछ इस तरह का सीन है, या हो सकता है कि कोई सरकारी गाड़ी है, तो ये सोच के शायद वो हट गए हों, लेकिन वहाँ पे डकैत खड़े हुए थे। अच्छा अदनान भाई और ने भी देखा, और बरकत भाई ने भी देखा, ऐसे ही अदनान भाई, जी जी बिल्कुल ऐसे ही, तीनों ने हाथ में जो है वो पिस्टल पकड़ा हुआ था, ये सिचुएशन था। तो भाई इस तरह के सन्नाटे वाले इलाकों के अंदर जो है ना, समझ लें आपके
सिचुएशन ऐसी होती है कुछ भी हो सकती है। देखिये ना यहाँ पे भी लोग निकल के बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भी सैलाब आ गया है, काफी सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं। ये देखें भाई सक्खर मुल्तान मोटरवे आ गया और हमारी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए हैं। यकीन करें इतनी खतरनाक ड्राइव करके पहुंचे यहाँ पे। ये देखा भाई जाहिर पीर टोल प्लाजा आ गया भाई, सुकून हो गया। हमारे बरकत भाई को जो है ना निकाल के देता हूँ रानी जूस, ठीक है। ये ठंडी पानी की बोतलें रखी हुई हमने, इसमें बाकायदा यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, मतलब ये एसी की कूलिंग से ठंडा कर देता है यार सेटअप। ये ले भाई, आह क्या बात है। मोटरवे पे आते के साथ ही भाई ये देखें तोहफा मिल गया, बारिश का सही है, बारिश की कमी थी वो भी स्टार्ट हो गई है। मेरा तो दिल पता है क्या कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि अभी जो है ना आए सर्विस एरिया, सर्विस एरिया पे आपका भाई शावर ले, सही है, तो थोड़ी सी नींद नींद उड़े, वरना तो मेरा दिल ये कर रहा है अभी अभी ये दिल कर रहा है कि एक चादर हो मेरे पास, आए हाय सीट नीचे लेटाऊँ पीछे करूँ और आराम से सो जाऊँ, ये दिल कर रहा है। लेकिन ये काम करना नहीं है मुझे, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी बस सर्विस एरिया है, शावर लेके थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और नींद भी उड़ जाए, तो इसके बाद फिर मैं ड्राइव करूँ थोड़ी देर और बैठ कर भाई को थोड़ा सा रेस्ट दूँ। देखते हैं कितनी देर दूर है सर्विस एरिया। ये कैंटीन वाले अंकल पीछे बैठे हुए, भजन बिस्किट विस्किट है कुछ खाने का? जी भाई खाएंगे। अब बोलो ना 10 वाला 20 वाला 30 वाला कौन सा लेंगे साथ? 10 20 30। ये एक काम करो कैंडी खोल दो, कैंडी खोल, कैंडी ओके। जरा बारिश के मजे लेना हम लोग। भाई सैंडविच खा रहे हैं हम लोग, सही है। गो के गैस स्टेशन के ऊपर रुक गए हैं, सही है, और तकरीबन रात के बज रहे हैं 11:15। एक्चुअली जब हम सफर स्टार्ट कर रहे थे ना तो हमने रानी लिए थे जूस, ठीक है। अब हमसे भंडी हो गया था कि हमने जो है ना ये वाला रानी ले लिया था। देखें ये ईरान का है, ठीक है, इसकी पिक्चर भी अलग बनी हुई है। अब ये देखें बराबर वाले में फ्रिज में ये वाला रखा हुआ है। अगर आपने मजेदार रानी पीना है ना तो ये पीच वाला है, ये दुबई का है, सही। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है लेकिन दोनों की जो है वो प्रिंटिंग भी अलग है, सही है। तो ये जो है ना एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल खराब था, ऐसा लग रहा था खांसी का शरबत पी रहे हैं, सही है ना, और सबको खांसी का शरबत पिलाया हमने, सही है। तो ये वाला आप पिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, दुबई वाला, सही है, दुबई वाला। हाँ वी आई पी शावर्स। अरे भाई ये कौन निकल रहा है? चले भाई आपका भाई तैयार हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया गाड़ी चलाने के लिए। अब मैं आप लोगों को घुमाऊंगा, आ जाए भाई। मैंने इन दोनों को बोला तुम लोग भी शावर ले लो क्योंकि बेहतर यही है कि बंदा नींद में ना रहे, सही है ना। फ्रेश माइंड के साथ आप लोग जो है वो गाड़ी में बैठेंगे, कोई सोएगा नहीं, एक दूसरे के साथ बातें करते रहेंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, सही है ना, नींद आने का कोई चांस नहीं रहता। वाह भाई अदनान भाई फार्म हाउस से आ रहे हैं स्विमिंग पूल से, अब बताएं आप बिल्कुल फ्रेश हो गए ना? अब नींद वींद तो उड़ गई आपकी सारी? वाकई बेहतरीन हो गया। अब हम आराम से जाएंगे बातें बातें करते कराची यार, 8 घंटे का अभी भी रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय टर्न। चलें भाई अब मैं आप लोगों को जो है ना कराची लेके चलता हूँ अपने साथ। एसी चालू करो। हाँ एसी ऑन कर दे, हल्का सा एसी ऑन कर दे। भाई सखर के बाद जो है ना मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, मैंने बरकत भाई को बोला आप चलाएं, मैं बाइकआउट करता हूँ यहाँ से गाड़ी चलाने का, क्योंकि यहाँ पे मज़ा ही नहीं है यार, बिल्कुल बेकार तरीन रोड है, सही है, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल ऐसी हालत हुई है कि क्या बताए बंदा। भाई 4:51 हो रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छी खासी जो है ना नींद करने के बाद अभी हम लोग उठे हैं, गाड़ी के अंदर ही सो गए थे, सही है। ये देख सकते हैं आप लोग कि पीछे काफ़ी सारी बसेस, काफ़ी सारा ट्रैफिक जो है ना जैम है, सही है, और बहुत आगे तक जो है वो ट्रैफिक जैम है, पता नहीं कब खुलेगा ट्रैफिक, क्या सीन है। पीछे भी देखें काफ़ी सारी बसेज हैं, सही है। तो अब मेरे ख्याल से व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, सही है, और जो कल की सिचुएशन होगी वो मैं कल बताऊँगा। और अभी यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है, अभी मैं अगर एडिट कर भी लूँ इसको तो मैं अपलोड शायद ना कर सकूँ। देखें अब कब तक हम लोग जो है यहाँ पे स्टक होते हैं, पिछले तकरीबन 2.5 घंटे से हमारी गाड़ी जो है वो यहीं पर खड़ी हुई है। चले भाई देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और एडवेंचर का लेवल आप लोग देख रहे हैं कैसे स्टक है हम लोग, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे पुलिस की मोबाइल भी फंस गई है, अब हम इसको जो है ना अपनी गाड़ी से टो करके निकालेंगे। इसकी मोबाइल जैसे यहाँ गई थी तो वो एक तरफ धस गई है, फंस गई है, ठीक है। और ये देख लें आगे जहाँ तक नजर आ रहा है वहाँ तक ट्रैफिक जैम है,
अल्लाह पाक खैर करे। ये देखें ये पुलिस की मोबाइल है, बिल्कुल टेढ़ी हो गई, फंस गई है, इसको हम टोकेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, गाड़ी निकाल दी है, ये जो धसी थी ना गाड़ी, ये हो गई भाई, बाहर हो गई है। अब ये भी जो है वो इंशाल्लाह हो सकता है साइड साइड से आगे चले जाएंगे। देखे ये लोग भी भीगे हुए, फुल जो है ना बारिश के अंदर ये लोग भी भीगे हुए, देख लेना, ये देख सारे ही भीगे हुए भाई। अल्लाह पाक आसानी करे इंशाल्लाह। अब व्लॉग को जो है ना हम एंड करते हैं भाई, अब कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, फिर क्या सिचुएशन होगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।